हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी द्वितीय वर्ष में अपने यूनिट सेकंड के अंतर्गत पढ़ेंगे एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में से फैमिली एपिएसी। देखिए, जो फैमिली एपिएसी है वो लगभग उसके 275 वंश और 2850 जातियां सम्मिलित हैं, जिसमें से भारत में लगभग 53 यानी 53 वंश और 200 यानी 200 जातियां सम्मिलित हैं। अब देखिए, जो हमारी फैमिली एपीएससी है, हम देखेंगे उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी कि उसका वर्गीकरण। तो आइए अब हम देखते हैं फैमिली एपीएससी का वर्गीकरण, उसका क्लासिफिकेशन। देखिए, जो हमारी फैमिली है, फैमिली एपीएससी में जो हमारा क्लासिफिकेशन है, यानी जो हमारा वर्गीकरण है, वो हमारा कुछ इस प्रकार से क्या है। देखिए, सबसे पहले है डिवीजन यानी विभाग। विभाग है क्या? फैनरो गेम्स। सब डिवीजन यानी उपविभाग है एनजीओ स्पर्म। क्लास है डाई कॉटी लीडर्स। सब क्लास है पॉलीपिटेल। नेक्स्ट हमारा ऑर्डर है यानी कि गण। क्या है? एम्बेलेलीज। और फैमिली है एपिएसी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी फैमिली है एमलीफी। तो ये तो देखा हमने क्लासिफिकेशन किसका, फैमिली एपिएसी के बारे में। अब हम देखेंगे फैमिली एपिएसी के अंतर्गत जो हैबिट है, यानी कि जो स्वभाव है, क्या है, जानेंगे उसके स्वभाव के बारे में, उसकी रूट के बारे में और उसके स्टेम के बारे में। आइए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फैमिली एपीएसी का स्वभाव यानी उसकी हैबिट क्या है। तो देखिए, जो हमारी फैमिली होती है, फैमिली एपीएसी, उसकी जो हैबिट है यानी उसका जो स्वभाव है वो कैसा है। तो देखिए, उसका स्वभाव है यानी एनुअल है। एक बात समझ लीजिए कि इस कुल के जो पौधे होते हैं कैसे होते हैं, वार्षिक होते हैं, द्विवार्षिक अथवा बहुवार्षिक शाख भी होते हैं। नेक्स्ट, अब हम आते हैं उसके रूट यानी जो उसकी जड़ें होती हैं। तो देखिए, उसकी रूट किस प्रकार की हैं। सबसे पहले उसकी रूट हैं ब्रांच, यानी कैसी हैं, शाखित होती हैं। टैप रूट है यानी मूसलाधार जड़ें होती हैं। किसकी? एपीएसी की। अब हम देखते हैं इसके तने के बारे में, यानी इसका स्टेम कैसा होता है। तो देखिए, तना हमारा कैसा है, इरेक्ट है, यानी कि सीधा खड़ा हुआ है। इंटरनोड और नोड, यानी वो इंटरनोड और नोड में बटा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि नोड और इंटरनोड क्या होते हैं, कि देखिए, जब कोई हमारा प्लांट होता है और प्लांट का स्टेम होता है, तो उस स्टेम से जब हमारा एक पार्ट निकला होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नोड। और उसकी कुछ दूरी पर जब हमारा दूसरा हिस्सा निकला होता है तो उस हिस्से से लेके उस हिस्से तक की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंटर नोड। याद रखिएगा कि नोड और इंटर नोड क्या होते हैं। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, हम बात कर रहे थे स्टेम की, जिसमें हमने जाना कि नोड और इंटर नोड क्या होते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं कि स्मूथ है यानी कोमल है, ग्रीन है यानी हरे रंग का है। अब हम देखते हैं उसकी लीफ यानी जो उसकी पत्तियां होती हैं कैसी होती हैं। तो देखिए, जो हमारा
जो हमारी फैमिली है एपीएसी, उसकी जो लीफ होती है कैसी होती है, अल्टरनेट होती है, यानी एकांतर होती है, और कैसी होती है, कंपाउंड होती है, यानी संयुक्त होती है। पैटीओलेट यानी उस लीफ में हमारा क्या होता है, डंठल होता है। और एक चीज हम वहां भी कह सकते हैं कि कभी कभी पत्तियां हमारी कैसी होती है, सरल होती है, यानी सिंपल होती है। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं इन्फ्लोरेंस। मैंने आपको बताया है कि इन्फ्लोरेंस जो होता है वो कैसा होता है कि यानी पुष्प में जो हमारा प्लांट है उसमें हमारा पुष्प कैसा होगा, उसमें कैसे होंगे, गुच्छों में होंगे, संयुक्त होंगे, किस प्रकार होंगे। तो देखिए, जो हमारी है फैमिली एपीएस, उसका जो इन्फ्लोरेंस होता है कैसा होता है, कंपाउंड होता है, यानी संयुक्त रूप का होता है। अब देखिए, अब हम चलते हैं इसके फ्लावर यानी पुष्प की ओर। तो देखिए, जो हमारी फैमिली है कौन सी, फैमिली एपीएसी, उसका जो हमारा फ्लावर होता है वो हमारा फ्लावर कैसा होता है, तो देखिए पेडिसिलेट, यानी उस फ्लावर में क्या होता है, डंठल होता है, तो हम क्या कहेंगे, पेडिसिलेट। नेक्स्ट हमने कहा आउटर जाइगोमॉर्फिक एंड इनर एक्टिनोमॉर्फिक, यानी देखिए मैंने आपको बताया है कि जब हम कोई पुष्प लेंगे, देखिए जैसे हमने कि ये पुष्प लिया और इसकी लंबवत काट करी, तो अगर वो पुष्प हमारा कैसा है, दोनों लंबवत काट करी, सीधी काट करी, और लंबवत काट करने के बाद अगर दोनों पार्ट हमारे समान है तो क्या होगा, एक्टिनोमॉर्फिक, लेकिन अगर दोनों ही पार्ट हमारे असमान है तो जाइगोमॉर्फिक। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आउटर जाइगोमॉर्फिक और इनर एक्टिनोमॉर्फिक, यानी क्या है, जो हमारा आउटर यानी जो हमारा बाहरी भाग है वो कैसा है, जाइगोमॉर्फिक है, यानी जब हमने पुष्प की लंबत काट करी तो उसके जब हमने बाहरी भाग को देखा तो वो कैसा है, असमान है, जिसको हम क्या कहेंगे, जाइगोमॉर्फिक। और जो हमारा अंदर का भाग था वो कैसा था, एक्टिनोमॉर्फिक, यानी अंदर का भाग हमारा समान है तो हम उसको क्या कहेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक। आया समझ में कि क्यों कह रहा है वो कि आउटर जाइगोमॉर्फिक और इनर एक्टिनोमॉर्फिक, यानी बाहरी हमारा कैसा है, असमान, तो जाइगोमॉर्फिक, और इनर हमारा समान है तो एक्टिनोमॉर्फिक। तो ये हमने बात की फ्लावर के बारे में। अब हम देखेंगे इसके कैलेक्स के बारे में। तो आइए आगे चलते हैं कैलेक्स की तरफ। तो देखिए, हाँ, जो हमारा फैमिली है, फैमिली एपीएसी, उसमें जो कैलेक्स होते हैं, तो कैलेक्स कितने हैं, 5। कैलेक्स का मतलब हमने आपको बताया क्या होते हैं, बाह्य दल पुंज। तो हम क्या कहेंगे, हमारे कितने दल हैं, 5। कैसे हैं, गैमोसिपैलस। गैमोसिपैलस में हमने आपसे क्या कहा कि संयुक्त होंगे और अंडाशय से जुड़े होंगे। क्या कह रहा है, गैमोसिपैलस अटैच टू ओवरी। ओवरी क्या होती है, अंडाशय, और गैमोसिपैलस का मींस क्या होता है, संयुक्त। तो कैसे हो गए हमारे बाह्य दल पुंज, 5 हो गए, संयुक्त हैं और अंडाशय से जुड़े हुए हैं, समझ गए आप। अब देखिए, अब हम देखते हैं करोला यानी कि दलपुंज कितने हैं, 5, और कैसे हैं, पॉलीपिटेलस यानी अलग अलग है, पृथक है, तो क्या कहेंगे, पॉलीपिटेलस। एक चीज और हम कहेंगे कि कैसे होते हैं, पृथक होते हैं और गड्ढेदार भी होते हैं। अब हम आते हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम, देखते हैं कि एंड्रोसियम क्या है और गाइनोसियम क्या है। देखिए, जो हमारा फैमिली है एपोएसी, उसमें जो एंड्रोसियम है यानी उमंग, उमंग कितने हैं, यानी स्टैमेन कितने होंगे, 5 होंगे, और हम ये भी कह सकते हैं स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं, 5 हमारे कुंकेसर कैसे होंगे, स्वतंत्र होंगे, फ्री होंगे। नेक्स्ट हम
हम कहेंगे डाइथीसियस यानी द्वि कोष्ठी होंगे, दो कोष्ठ होंगे किसके, एंड्रोसियम के। फिलामेंट कैसी होगी, लॉन्ग होगी, यानी उसकी जो क्या कहते हैं आपकी जो कुतंतु होते हैं यानी वो कैसे हैं आपके, लॉन्ग हैं। और हमने आपको बताया कि पराग कोष आपके कैसे हैं, डाइथीसियस यानी दो कोष्ठी हैं। अब हम आते हैं गाइनोसियम के बारे में। गाइनोसियम यानी कि जायाम। तो देखिए गाइनोसियम क्या है, जैसा कि हमने आपको बताया कि जायाम क्या है, बाइकार्पलरी। तो कैसा होगा बाइकार्पलरी, द्वि अंडपी। नेक्स्ट हमने कहा द्वि अंडपी है और हम ये भी कह सकते हैं डाइथीसियस, हम ये भी कह सकते हैं यानी द्वि अंडपी है और डाइथीसियस है यानी द्वि कोष्ठी है। कोष्ठ कितने हैं, दो हैं। नेक्स्ट हम ये भी कह सकते हैं ओवरी हमारी कैसी है, इंफीरियर है यानी अधोवृत्ति है। अगर ओवरी अधोवृत्ति होगी तो साइन कैसा होगा, ऊपर गाइनोसियम में ऊपर की तरफ होगा, और अगर हमारी ऊर्ध्ववृत्ति है यानी सुपीरियर है तो साइन कैसा होगा, नीचे की तरफ होगा। नेक्स्ट देखिए, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है कि वन ओव्यूल इन ईच लोक्यूल, वन ओव्यूल इन ईच लोक्यूल यानी क्या है कि क्या कह रहा है, डाइथीसियस यानी द्वि कोष्ठ है और प्रत्येक कोष्ठ में एक एक बीजांड पाए जाते हैं, इसलिए उसने क्या कहा, वन ओव्यूल इन ईच लोक्यूल, यानी द्वि कोष्ठ ही है लेकिन एक कोष्ठ में एक एक बीजांड ही पाए जाएंगे। तो ये था, हमने देखा एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बारे में, जिसमें कि हमने आपको बताया कि डाइथीसियस क्या है एंडोसियम में। नेक्स्ट हमने आपको बताया कि गाइनोसियम में बाइकार्पलरी क्या है, वन ओव्यूल इन ईच लोक्यूल यानी कि द्वि कोष्ठक है, अलग अलग कोष्ठ हुए, दो कोष्ठ हुए और दो में कैसे हैं, हर एक कोष्ठ में एक एक बीजांड हमारे उपस्थित हैं। तो ये हमने एंडोसियम और गाइनोसियम को देखा। अब हम देखेंगे फैमिली एपिएसी में उसके फ्रूट कैसा होगा। तो देखिए फ्रूट कैसा है, क्रीमोकार्प। फल कैसा होगा, क्रीमोकार्प। अब हम देखते हैं उसका फ्लोरल फॉर्मूला। तो देखिए जो उसका फ्लोरल फॉर्मूला होता है, किसका, जो हमारी फैमिली एपिएसी है उसका फ्लोरल फॉर्मूला यानी पुष्प सूत्र क्या है, ई ब्रैक्टिएट है और आपका जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है और आपका कैलिक्स 5, करोला 5, एंडोसियम 5 और गाइनोसियम 2। बाइकार्पलरी कहा था तो 2। अधोवृत्ति तो साइन कैसा होगा, ऊपर की तरफ। अब देखिए हमने ये भी कहा कि जाइगोमॉर्फिक भी होते हैं और एक्टिनोमॉर्फिक भी होते हैं, यानी बाहर असमान होते हैं और अंदर समान होते हैं। तो ये हमने जो पहला आपको फॉर्मूला बताया, ये किसका बताया, बाहरी आउटर का, पेरिफेरल का। अब हम अंदर का यानी सेंट्रल की बात करें तो इसी में हम कह सकते हैं ई ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5, करोला 5, एंडोसियम 5 और गाइनोसियम 2, बाइकार्पलर और इन्फीरियर। तो ये हमने आज जाना फैमिली एपिएसी के बारे में, जिसमें हमने उसके वंश, उसकी जातियों के बारे में जाना कि कितनी वंश और कितनी जातियां हमारी सम्मिलित होती हैं इसके अंतर्गत, क्लासिफिकेशन देखा। नेक्स्ट हमने उसके हैबिट को देखा कि उसका स्वभाव कैसा है, स्टेम क्या है, रूट क्या है, लीफ क्या है, फ्लावर कैसा है, और कैलिक्स, करोला और एंडोसियम और गाइनोसियम के बारे में भी हमने डिस्कस किया। फ्रूट जाना कि फ्रूट कौन सा होता है, तो फ्रूट होता है कीमोकार्प। तो ये आज हमने फैमिली डिस्कस की, फैमिली एपिएसी। आई होप आज की फैमिली आप सबको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम अपनी फैमिली कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।